नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा के अस्तांबा प्रखंड स्थित जीआर के सरकारी स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासी मजदूर दहशत के साए में जी रहे हैं। आज इस क्वारंटाइन सेंटर में बिस्तर सांप निकलने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जैसे ही सांप बाहर निकला, सभी प्रवासी मजदूर दौड़ पड़े और उसे ईंट पत्थरों से मार दिया। दरअसल इसी इलाके के एक युवक में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उसे बिम्स में इलाज के लिए रखा गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद जिला प्रशासन ने इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था, मगर यह केवल घोषणा बनकर रह गई है। आपको बता दें कि इस क्वारंटाइन सेंटर में दिल्ली, सूरत, गुजरात, नोएडा के कुल 85 प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन किए गए हैं, जिनका ना तो आज तक स्क्रीनिंग हुआ है और ना ही कोई जांच की गई है और ना ही उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण इनकी हालत बदतर हो गई है। सबसे बड़ा पहलू यह है कि मृत युवक जिन जिन लोगों के संपर्क में आया था, उनकी जांच होनी थी मगर वह भी नहीं हुई है। इधर अस्थांबा अंचलाधिकारी सुनील कुमार इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस क्वारंटाइन सेंटर पर प्रतिदिन मेडिकल टीम जाती है और नियमित रूप से सभी की जांच की जा रही है। जहां तक खाने की बात है तो वह भी इन लोगों को समय के अनुसार दिए जा रहे हैं। कब यहाँ आए थे आप? हमारा 25 तारीख को जो है आपका कौन सा कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज अस्थांबा में जांच हुआ। तो उसके बाद वहां बताया कि आपको होम क्वारंटाइन करना है घर पे 14 दिन, किसी से मिलना जुलना नहीं है कुछ भी। तो गांव में आए तो बोले गांव वाले कि भाई तुम गांव में नहीं रह सकते हो, गांव से अलग कहीं कोई जगह है वहां पर तुम अपना 14 दिन व्यतीत करो। तो घर वाले को हम लोग इन्फॉर्मेशन किए, वहाँ से खाना वाना आने लगा। उसके बाद हम लोग समय व्यतीत करें। रात में हम लोग बिस्तर सांप मारे निकल रहे थे, लाइट की व्यवस्था नहीं है। कल एक लेडीज आई थी परसों तरसों खाना के लेकर, तो रास्ते में बीछा काट लिया। रास्ते में मैंने लाइट नहीं है, क्या मालूम है कहाँ पैर रख रहे हैं। वो बीछा को हम लोग मारे, फिर लेडीज को वहाँ को गांव वाले ले गए इलाज के लिए, दिखाए ठीक है। और कल एक बीस साफ मारे, नहीं तो लाइट की व्यवस्था है, नहीं खान पान की, मैंने किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यवस्था हम लोग अपने पर्सनली रूप से कर रहे हैं और 14 दिन व्यतीत कर रहे हैं, किसी तरह से जो है समय काट रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनालाल रविदास हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? जीयर गांव के रहने वाले हैं। कब से यहाँ आए हुए हैं? कल। कल आए हैं? यहाँ व्यवस्था आपको मिल रहा है? कुछ के नहीं। कुछ की व्यवस्था नहीं है? नहीं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं? कुछ व्यवस्था नहीं, लाइन बत्ती कुछ की व्यवस्था नहीं है। अपना घर से खाना मंगाते हैं? अपना घर मंगाते हैं तो खाते नहीं तो भूखे पड़े रहते हैं। बहुत खाना नहीं है। गांव वाले नाम क्या हुआ? नाम आपका क्या हुआ? गायत्री देवी। बताइए। जैसे हम सब 7 दिन के भूखा लिया रहे थे, अस्थामा में उतरे, अस्थामा में सूखल चूड़ा बिक के दे दिया। बच्चा रोने लगा खाने पीने ले, बच्चा सूखल चूड़ा दे करके रोने लगा। वहाँ से भेज दिया कि जाओ अपना गांव। अपना गांव आया तो अपना गांव में क्या कहा वहाँ से कि जाओ अपना गांव में। सब चीज़ के मुखिया बट सब चीज के व्यवस्था दे दिया, यहाँ आए कोई चीज के व्यवस्था नहीं है। सब आए बाल बच्चा भूखल रोने लगा, इसलिए यहाँ पर चढ़ गया। गाँव वाला कई दिन खाए लगे हमको देगा, यहाँ गर्दन में अथी में लौटेंगे हम सब। आए कोई चीज के व्यवस्था नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि नहीं खाना पीना हमको दो, हमको चावल दाल दो, हम अपने खाना पीना पका के खाएंगे। नहीं तो खाना दो हम खाएंगे। 15 दिन कहते हैं सर, हम 1 महीना यहाँ रहेंगे। कितना दिन से आप यहाँ? कल आए। कल आप आए? इससे पहले आप कहाँ थे? इसके पहले गाजियाबाद। गाजियाबाद से यहाँ आए? गाजियाबाद से आ रहे हैं, भूखल प्यासल। उधर तो खाना पीना सरकार सब चीज दे रहा था, अब यहाँ उतरे हैं कोई चीज के व्यवस्था नहीं दे रहा है। मुखिया से बात हो गई थी? मुखिया से बात हो गया। मुखिया क्या कहा कि रहो स्कूल में, तो स्कूल में रह रहा था, हमको व्यवस्था खाना पीना के देगा ना सर? कोई चीज का यहाँ व्यवस्था नहीं। घोर कराई था, सांप निकला था, बच्चा के काट लेगा, कौन देखने वाला आ जाए। आपका नाम क्या हुआ? श्यामा देवी। कहाँ के रहने वाले? जीआर के।